आजादी का अमृत महोत्सव सीआरपीएफ की साइकिल रैली होडल से नई दिल्ली के लिए रवाना। जाने इसकी खासियत और मकसद। साइकिल रैली का बीजेपी विधायक जगदीश नायर और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। स्वागत में कोई कमी नहीं रहे। इसका भी ऐतिहासिक बरतते हुए किया काम। साथ ही उनके लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था बीजेपी विधायक जगदीश नायर के नेतृत्व में हुई। सीआरपीएफ के जवान इस साइकिल रैली के दौरान एक दिन में करीब 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस दौरान वे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों जैसे स्वतंत्र संग्राम से जुड़े संस्थान पर जाते हैं और लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न के बारे में बताते हैं। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जोरहट से शुरू हुई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों की एक साइकिल रैली होडल से नई दिल्ली तक जारी रही। ये रैली आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जोरहट से शुरू हुई थी। सीआरपीएफ के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने भारत के चारों कोनों यानी कश्मीर, गांधीनगर, केरला के पल्लीपुर और असम से जोरहट के चार रैलियां शुरू की। होडल में सीआरपीएफ के जवानों ने बताया कि पूर्वोत्तर साइकिल रैली आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी इतिहास है, जो मूल रूप से असम के जोरहट से शुरू हुई और आज होडल पहुंची। उन्होंने बताया कि कुल 15 साइकिल चालक हैं जिन्होंने कार्यभार संभाला है। आज होडल से नई दिल्ली तक रैली शुरू की। आइए हम बताते हैं क्या है रैली का मकसद। जवानों ने आगे कहा है, इसका मकसद यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से जुड़ना और उनके आज़ादी के ऐतिहासिक के बारे में बताना, लोगों को आदमी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों की इस साइकिल रैली का सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने अन्य अधिकारियों के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक दिन में करीब 80 किलोमीटर रास्ता तय करते हैं जवान। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा है, केंद्र सरकार ने देश के अन्य हिस्सों की तरह पूर्वोत्तर के विकास करने के लिए कई पहल किए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी क्षमता है और यह भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस क्षेत्र में विकास कार्यों को केंद्र सरकार नियमित आधार पर भी देख रही है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान इस साइकिल रैली के दौरान एक दिन में 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस दौरान वो ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संस्थान संगठन से जुड़े संस्थानों पर जाते हैं और लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, यहाँ से होडल से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। अभी देखिए वीडियो में आपके सामने यह साइकिल रैली दिल्ली की तरफ जाती हुई, यह दिल्ली की तरफ जा रही है। देखिए यह हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं जो साइकिल चला रहे हैं। देखिए आपके सामने अब यह साइकिल रैली जा रही है, यहाँ से होडल से रवाना हो चुकी है। होडल से दिल्ली राजघाट के लिए साइकिल रैली रवाना हो चुकी है। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर देख सकते हैं, ये दिल्ली की तरफ रवाना हो चुकी है। आईटी की साइकिल रैली होडल पहुंची। 27 अगस्त को शुरू साइकिल रैली, जो साइकिल रैली 27 अगस्त को शुरू हुई नई दिल्ली से स्थित राजघाट रेवाड़ी साहब पर होते हुए 26 अक्टूबर 2021 को गुजरात के केविट स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी पर संपन्न होगी। उन्हें बताया है कि यह साइकिल रैली 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस के परेड में शामिल होगी, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है उसके परेड में शामिल होगी। होडल न्यूज़।